अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और अभी जो है मैं कपड़े सुखा रही थी, ये स्कार्फ है नमाज के, तो नमाज का जो दुपट्टा और स्कार्फ है मैंने वो वॉश किया है। और सुबह को जल्दी के टाइम पर मैंने जो है ना मशीन लगा दिए थे। पीछे जो है ना वो बेड शीट है वो भी सूख गई है तकरीबन, और अभी ये राउंड था दुपट्टे का और स्कार्फ का, तो ये भी वॉश हो गई है। तो मैंने इसको सुखा के अब मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि किचन में अभी और काम है। और मैं जो है ना सुबह को जल्दी लगा देती हूँ मशीन को, इसलिए क्योंकि उसके बाद जो लाइट चली जाती है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ जितना सुबह सवेरे में काम करूँ ना कपड़े का, तो ज़्यादा बेहतर है। वरना लाइट चली जाती है ना, उसके बाद आती भी थोड़ी सी देर से, और फिर यू नो इतनी एनर्जी नहीं होती, क्योंकि हर काम का जो है ना एक टाइम होता है। जब वो टाइम पे हो जाता है तो अच्छा लगता है, जब टाइम बगैर वो टाइम निकल जाता है ना, फिर दिल नहीं करता वो काम करने का। तो यहाँ जो है मेरे कपड़े वॉश हो गई और मैं किचन में आ गई थी। और यहाँ जो है मैंने ये कूलर का ढकना वॉश किया था, तो इसलिए जो है ना स्लेब पर वाइट कलर के निशान हो गए। ये निशान थी टाटरी के, क्योंकि जो ढकना था ना उसमें सुराख में थोड़े से ऐसे ही दाग हो गए थे, निकल नहीं रहे थे। तो इसलिए यहाँ जो है मैंने थोड़े से टाटरी ऐड की है, और उसके साथ पानी थोड़ा सा ऐड करके मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने वॉश किया तो थोड़ा सा यहाँ गिर गए थे स्लेब पर, तो इससे थोड़ा सा वाइट कलर हो गया। एनीवे, तो यहाँ जो है मैं लंच में बना रही थी तूरी का सालन। तूरी का सालन मैं पहले स्टार्ट कर चुकी थी, यहाँ जो है ना मैं इसको सिर्फ फाइनल करूँगी। मेरे हेल्पर जी ने जब किचन पोछा लगाने के लिए, तो उस वक्त मैंने गैस को बंद कर दिया था और मैं चली गई थी लेडी फिंगर को साफ़ करना, क्योंकि मेरा प्लान है आज जो है मैं जाऊँगी बाज़ार। तो लेडी फिंगर को मैं कट करके फ्रिज में रखूँगी, जब आऊँगी ना तो डिनर में ये लेडी फिंगर बनाऊँगी। और अभी जो है तूरी का सालन बना रही हूँ। तो अभी ये लेडी फिंगर रेडी हो गई है फ्राई होने के लिए, तो इसको जो है ना मैं अभी फ्रिज में रखूँगी, शाम को डिनर में बनाऊँगी इंशाल्लाह। और यहाँ तूरी का सालन का कलर ऐसा लग रहा है कि ऐसा लगता है कि जल गया है, हालांकि बिल्कुल भी जला नहीं। इसमें जो है मेरी गलती है कि मैंने एक ऑनियन डाला था और उसका कलर इतना डार्क पर्पल था ना, तो बस उसकी वजह से जो ना सालन ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ब्लैकिश हो गया। वैसे भी इसी मेरे साथ पहले भी एक दफ़ा हो चुका था, मैंने गोश्त का सालन बनाया था तो वो भी इसी तरह बिल्कुल डार्क कलर का हो गया, लग रहा था कि सालन जल गया। हालांकि सालन जला नहीं है, लेकिन अभी जो ऑनियन आए हैं ना वो सारे के सारे ऐसे डार्क पर्पल के हैं, और ये जो है ना ऐसे ही सालन का कलर हो जाता है। एनीवे, यहाँ जो है ना मेरा काम हो गया, किचन भी साफ़ हो गया। अब मैं जाके जहर की नमाज पढ़ूँगी, और बास्केट में ये जो बर्तन रखे हुए ना ये ड्राई हो जाएंगे ना, उसके बाद मैं उनको जो है ना अपनी जगह पे रखूँगी। थोड़ा से गीले हैं, मैंने अभी वॉश किए हैं, तो बस उसके बाद जो है मैं रूम में आ गई। और ये किचन ऐसे ही सोती है, इनको जो है ना ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा काम किया है, मेहनत वाला काम किया है। एनीवे, तो अभी जो है मैं जाके नमाज पढ़ूँगी और फिर मैं जो है ना अपना बैग सेट करूँगी। और आज जो है ना मुझे जाना था क्लॉथ मार्केट, तो इसलिए मैं कुछ दिन की टाइम ही जाऊँगी, कुछ सवेरे जाऊँगी, क्योंकि इस मार्केट में बहुत टाइम भी लगता है और वहाँ जाने के बाद जो है हर चीज़ अच्छी लगती है क्योंकि वहाँ जो है ना इतने सारे शॉप्स होते हैं, छोटे मोटे चीज़ें होती हैं, जैसे कि लाइक बर्तन होते हैं, किचन की चीज़ें होती हैं, चादर्स होते हैं, टॉवल्स भी होते हैं, हर चीज़ होती है। तो दिल करता है हर चीज़ से यू नो कोई ना कुछ कोई ना कोई चीज़ ले लें। तो यहाँ जो है ना जो ज़रूरी काम था मुझे वो ये कि मुझे पर्दे चाहिए थे, कपड़े भी देखने थे, मेन काम तो यही था। तो वो देखते हैं कि कितना काम होगा। तो यहाँ जो है मैंने नमाज भी पढ़ ली, मेरी कैस भी सो गई थी, और अब जो है मैं तैयारी कर रही हूँ जाने की। और यहाँ जो है ना मैंने एक कपड़ा लिया था, उसको मैच के लिए मुझे शर्ट चाहिए थी तो वो भी मैच करना था। ये मेरा कपड़ा नहीं है, किसी का है, लेकिन मुझे जो है उसकी मैचिंग भी चाहिए। और उसके साथ और मैं रेडी हो गई हूँ, और मेरे साथ पानी की बोतल और घर की चाबी लाजमी है, क्योंकि मैं जाऊंगी रक्षे में तो घर की चाबी लाजमी है। एनीवे, तो यहाँ जो है मैं तैयार हो गई थी एंड आई एम गोइंग। और ये जो पानी की बोतल है ना, ये हमें मिलती थी मक्के में, जब मैं हज के लिए गई थी ना, तो खाने के साथ ये पानी की बोतल मिलती थी। इसमें मैं ना मैं जमजम लेकर आई थी, तो अभी ये खाली हो गई थी, इसको जो है ना मैं फिल करके लेकर जाती हूँ बैग में, क्योंकि छोटी ना तो बैग में फिट हो जाती है। ਇਹ ਮੁੱਕ ਲਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਠੋ ਕੇ ਠੇਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਨਾ ਇਹ ਇਹ ਸਹੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹਾਂ 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 सही है नहीं होना अभी जंग पर के मक्की में नहीं पट्टी पट्टी होना है चल भाई चलो मेरा कोई बड़े खा रहा है
खीर हां ही वदी हल्को ब्रांडेड तो भले यो करो मुखारे इन मा एहरा बा वडा दियो जो चार थन माने कटी भी दियो बा वडा हां कटवाएगा नहीं कटवा हां सो हां सो मम्मी के सब फिर से मम्मी घर वाली आ जाए क्योंकि बिल देना हां हां तो यहाँ जो हमारा काम हो गया था इतना सारा सामान तक कि ज़्यादा चीज़ें और लेने सके सुबह जो ज़रूरी काम था वो हमने वही किया है और हम मगरब से थोड़ी देर पहले हम पहुँच गए थे घर और यहाँ जो है ना मैं लेकर गई थी अपने साथ ये बैग पैक इसमें जो है ना सामान डालना बहुत ईजी था हैंड में कैरी करने में जो है ना काफ़ी वज़न हो जाता है क्योंकि शॉपर इतनी हैवी होती है तो बैग पैक में जो इतना फील नहीं होता तो इसलिए जो है ना मैं अपने साथ ये बैग पैक लेकर गई थी और यहाँ जो है ना बार्गेनिंग ऐसी होती है कि इसका लिमिट का नहीं पता होता कि आप कहाँ से शुरू करो बार्गेनिंग और कहाँ ख़त्म होती है ना इसका जो है ना समझ में नहीं आता। मैं सोचती हूँ इस बाज़ार में मैं काफ़ी चक्कर लगाऊँ कि मुझे भी अंदाज़ा हो जाए इस चीज़ों का रेट क्या है क्योंकि मैं दो या तीन चक्कर बस गई हूँ इस बाज़ार में लेकिन इसमें जो है ना आपको जानने के लिए जो है ना आपको काफ़ी दफ़ा जाना होता है वरना फिर समझ में आती है वरना ऐसे समझ में नहीं आता। एनीवे मैं अभी किचन में आ गई हूँ मैं डिनर स्टार्ट करने लगी हूँ और आप लोगों को शॉपिंग में बाद में दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या पसंद किया है क्या क्या लेकर आई हूँ तो आप लोगों के साथ बाद में शेयर करती हूँ। पहले जो है ना मैं किचन का काम करूँ जो डिनर बनाना होता है क्योंकि मैं जो है ना शाम के टाइम पर डिनर बना लेती हूँ और अभी जो है ना तकरीबन मगरिब का टाइम हो गया है तो इसलिए जो है ना थोड़ी सी देर हो गई मुझे तो इसलिए मैं अब पहले डिनर बनाऊँगी उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या शॉपिंग की है। और यहाँ जो है मैं स्टार्ट करने लगी हूँ डिनर बनाना और डिनर में बना रही हूँ लेडी फिंगर जो सुबह को मैं कट करके फ्रिज में रखी गई थी वो और ये जो टोमेटोज है ना थोड़े से ओल्ड है तो इसलिए मैं इनको भी बॉईल किया है। अब जो है मैं इनका प्यूरी बनाऊंगी और इसमें से जो टोमेटोज मैंने बॉईल किए ना ये लेडी फिंगर में भी डालूंगी। मैं बनाऊंगी टोमेटोज वाले लेडी फिंगर तो अच्छे लगते हैं वो तो मेरा मूड है वो खाने के तो बस वो बनाऊंगी और इसके साथ जो है ये ग्रीन मिर्च में फ्राई करूंगी बहुत टेस्टी और यमी होती है लेडी फिंगर में और आलू में बहुत पसंद है मुझे तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड के दोनों को पसंद है तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही फ्राई कर रही हूँ। और जब ये फुल फ्राई होते हैं ना इसके कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और इसके साथ जब ये टमाटर का पेस्ट बनाऊँगी और इसी पेस्ट में मैं सारा मसाला ऐड करूंगी रेड चिलीज़ और हल्दी साल्ट ये सारी चीज़ें जो भी मुझे डालनी है टोमेटोज के पेस्ट में ऐड करूंगी। फिर उसमें जो जो लेडी फिंगर मैंने फ्राई की ना वो मिक्स करूंगी फिर मैं दम पे रख दूंगी बर्तात से तो उसके बाद जो मैं रोटी निकाल दूंगी। ओके तो यहाँ हमने डिनर कर लिया है अभी मुझे चाय बनानी है लेकिन पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ फिर मैं जाके चाय बनाऊँगी। फिर मैं पहले अबाया को हटा देती हूँ कि आप लोगों को सही तरह नज़र आए और मुझे फील हो रहा था कि अबाया की वजह से और ये ब्लैक शॉपर की वजह से जो ना मच्छर आ गए थे क्योंकि ब्लैक चीज़ के ऊपर जो है ना मच्छर आ जाते हैं। एनीवे तो यहाँ जो है जो भी आ गया साथ देखने में कि मैं क्या लेकर आई हूँ ये जो है ना बहुत क्यूट है मैं जहाँ भी होती ना ये मेरे पाँव में आ जाते हैं ये क्यूट ऐसे देखो ये जो है ना जहाँ भी मैं होती ना ये मेरे पीछे आ जाते हैं। तो अभी जो है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ। ये पर्दे हैं मुझे चाहिए थे लाउंज के लिए दो मेरे पास ऑलरेडी है जो ग्रे कलर के तो मेरा प्लान ये था कि मैं दो जो लूँगी ना वो भी ग्रे कलर में तो इसलिए ये ग्रे कलर में लेकर आई हूँ। इसकी मैचिंग के लिए मुझे चाहिए था सेम डिज़ाइन तो नहीं है क्योंकि उनके पास ये डिज़ाइन ख़त्म हो गया था तो ये डिज़ाइन दूसरा है पर कलर जो है तकरीबन एक जैसा है तो इस दीवार की जो अपोजिट साइड वाली दीवार है ना मुझे उस पर लगानी है तो इसलिए मैंने ले लिए। तो इंशाल्लाह मैं रमज़ान की तैयारी में एक व्लॉग बनाऊँगी तो उसमें जो है ना मैं हैंग करूँगी फिर आप लोग सही तरीके किससे इसका पूरा डिज़ाइन देखना। इसकी हाइट भी उतनी है जितनी पहली बार जो लगा हुआ है उतनी है और बस कपड़ा थोड़ा सा चेंज है इसका और डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है तो इंशाल्लाह आप लोग क्लियरली उस दिन देखेंगे जिस दिन मैं हैंग करूँगी इसको। और मैंने और भी लिए हैं मेरे रूम के लिए वो थोड़े से डिज़ाइन मुख्तलिफ है इससे लेकिन
ये जो है ना पर्दे डबल हैं, मीन्स इनकी साइज तकरीब इनकी साइज़ जो है ना 8 फुट के चौड़ाई में है। तो मुझे रूम के लिए चाहिए, तो मेरी रूम की जो विंडोज़ है वो छोटी थी, तो इसलिए मुझे कटवाना था। तो इसलिए मैं उनको ऑर्डर दे के आई हूँ कि उनको जो है ना जो चौड़ाई वाली, मैं तो पसंद करके आई हूँ पर काफ़ी चौड़ी थी, तो मैंने उससे कहा था कि काट दो बीच से कि बराबर हो जाएं, क्योंकि रूम की जो विंडोज़ है ना उस वो चौड़ाई बहुत कम है, तकरीबन कितनी होगी 3 फुट से भी कम होगी शायद, तो इसलिए ये 8 फुट बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए मुझे 8 फुट वाला जो है इसको हाफ़ करना था। एनीवे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं पता नहीं कैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। एनीवे तो बस इसलिए मैं वो लेकर नहीं आई हूँ, तो उसने कहा था कि वो कल ख़ुद लेकर आएंगे घर तक पहुँचा देंगे, तो इसलिए मैं लेकर नहीं आई। तो इंशाल्लाह वो आएंगे तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ चाय बन गई है, एक फीका कप है, दूसरा मीठा कप है। मीठा भी इतना है कि तकरीबन फीका ही होता है, लेकिन फिर भी मीठा होता है, वो मेरे हस्बैंड के लिए, मैं फीकी चाय पीती हूँ। तो बस यही था आज का व्लॉग, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।